कट्टरपंथी मौलाना अक्सर फतवा जारी करते हैं जब उन्हें अपनी बात मनवानी होती है या कोई काम करवाना होता है। लेकिन यूपी में बरेली के मौलाना को फतवा जारी करना भारी पड़ गया। हाफिज फैजान रजा को इज्जत नगर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, क्योंकि इन्होंने स्वामी दर्शन भारती का सर कलम करके लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया था। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि आखिर कौन है हाफिज फैजान रजा, जो फतवा जारी करके खुद ही फंस गया और अब बचने के लिए कहानियां बना रहा है। हमने अक्सर ही देखा है कि आए दिन कोई ना कोई मौलाना हिंदू समाज के लोगों के विरुद्ध फतवा जारी करता रहता है। कुछ ऐसा ही अब बरेली के एक फैजान रजा नामक कट्टरपंथी मौलाना ने भी किया है। उसने उत्तराखंड रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती का सर कलम करने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का फतवा जारी कर दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मौलाना को दिन में तारे दिखा दिए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब ये मौलाना इतना ज्यादा डर गया है कि अपनी मानसिक स्थिति को ही खराब बताने का ढोंग करने लगा है। मौलाना अक्सर अपने विरोधियों के लिए इस तरह का फतवा जारी करते रहते हैं और उन पर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बरेली के मौलाना को फतवा जारी करना भारी पड़ गया। दरअसल बरेली के एक मदरसा संचालक मौलाना फैजान रजा ने उत्तराखंड रक्षा अभियान संगठन के संस्थापक दर्शन भारती के खिलाफ खूब उल जुलूल बयानबाजी की और फतवा जारी कर दिया कि जो भी दर्शन भारती का सर कलम करेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक मौलाना फैजान रजा का फतवे वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फैजान रजा का आरोप है कि दर्शन भारती मुस्लिम समाज के विरुद्ध आए दिन बयान देते रहते हैं, जिसके चलते उत्तराखंड के CM को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कट्टर मौलाना ये तक कह चुका है कि जो भी व्यक्ति इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसका खुलकर विरोध होगा। इसके विपरीत अब FIR के बाद इज्जत नगर पुलिस के SSP रोहित सिंह सजवाण ने कार्रवाई करते हुए मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब मौलाना बहानेबाजी पर उतारू हो गया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार वह मौलाना अपनी ही मानसिक स्थिति को खराब बताने लगा है। उसने अपने सारे बयानों को सिरे से खारिज कर दिया है और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगने लगा है, जो कि हास्यास्पद बात है। इस पूरे प्रकरण के बाद ये मौलाना अपनी ही बातों से मुकर गया है। ये साफ है कि सर्व समाज संगठन नामक एक संस्था चलाने वाले ये कट्टर मौलाना असल में इस बात से बेखौफ था कि इस पर योगी प्रशासन की पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। वही इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर योगी सरकार की पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब फिजूल फतवाबाजी, धार्मिक हिंसा और कट्टरता उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो ऐसा करेगा उसका अंजाम भी वही होगा जो कि बरेली के मौलाना फैजान रजा का हुआ है।